खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां अयोध्या जनपद के थानापुरा कलंदर ग्राम सभा सिरडी नरसिंहपुर में पुरानी आबादी जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने कप्तान अयोध्या के यहां लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का विपक्षी गुड़ों पर आरोप है कि विपक्षी गुड़ों ने पीड़िता की जमीन पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। पीड़िता ने यह भी बताया, जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी होने के साथ विवाद की स्थिति पैदा हो गई। पीड़िता ने विपक्षी गुड़ों पर आरोप लगाया कि सभी लोगों ने मिलकर मुझे मारा पीटा है, जिसके संबंध में पीड़िता ने अयोध्या कप्तान को 19 दिसंबर को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है। पीड़िता ने मीडिया कर्मियों को बताया कि कप्तान के तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हमारा कब्जा था और हमारा ही रहेगा। का मामला है? जमीन का मारपीट का। पूरा बात बताओ। पूरा साहब, हमारे घर के सामने मेरी जमीन थी, उस पर मुन्ना लाल यादव जबरदस्ती कब्जा करे बोले तो उसको मारपीट करते हैं। थाना में गए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। कप्तान साहब मिले उसका कहीं? कप्तान साहब कहें कि आपका पहले कब्जा था, पहले रहेगा। अभी का दिक्कत है? अभी फिर मारपीट की, कल रात को वही सब लोग अस्पताल में कल रात को एडमिट हुए, बेहोश थी। का मांग कर रहे हैं? हमारी जमीन चाहिए और जो मारे हैं उनको बंद करवाए। कौन लोग मारे? नीरज यादव और मुन्ना मौर्या, राजकुमार मौर्या, राजकुमार यादव, रेखा यादव, रेखा मौर्या और सब उनके बच्चे लोग। सर, ये ग्राम सभा सड़ीहर नरसिंहपुर का मामला है, ये विगत पिछले 8 तारीख से चल रहा है। क्या मामला? मामला ये था, इनके घर के सामने ज़मीन है जिस पे इनका कब्जा था और गाय वगैरह बांधती थी, और विपक्षी गण उस पे हावी होना चाहते थे क्योंकि इनके पतिदेव घर पे नहीं रहते हैं, ये सभी लोग घर पे अकेले रहते हैं। अब विपक्षी गण उस दिन जब हावी होना चाहते थे तो 112 मिलाई थी, तो वो लोग तो उस वक्त हावी नहीं हुए। अगले दिन ये दवा के लिए आए, इनकी तबीयत ख़राब हो गई, धमकी वगैरह ये लोग दिए थे, मारपीट भी उस वक्त हुई थी। इन्होंने थाने को जाके शिकायत की और थाने से फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। हर दिन इनको दूसरे दिन बुलाया जाता था कि विपक्षी को बुलाया जाएगा, कार्रवाई होगी, और विपक्षी जब ये जाती थी दिन भर बैठाए रहते थे इनको और शाम को फिर वापस कर देते, अगले दिन आइए, यही सिलसिला चलता रहा। और फिर मारपीट पिछले कुछ समय पहले हुई जिसमें छेड़खानी भी इनके साथ हुई है और मारपीट भी, और उसके बाद वहाँ पर 16 तारीख को भी एप्लीकेशन और मेडिकल रिपोर्ट भी दिया गया थाने पर, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 17 तारीख को कुरियर के साथ भेजा गया उनको रजिस्ट्री के माध्यम से, और कप्तान साहब को भी रजिस्ट्री की गई है, मुख्यमंत्री जी को भी रजिस्ट्री की गई 19 को, और 20 तारीख को कप्तान सर को भी यहाँ भी आके पर्सनल दिया गया है प्रार्थना पत्र। और क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने कहा कि आपकी कब्जा है, आपको न्याय मिलेगा, यही बोला। ठीक है, बताइए मारपीट का मामला बता रहे हैं, फिर मारपीट हुई क्या? जी सर, सर से यहाँ मिलने के बाद सर ने बोला कि इस पर कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं वो बक्से नहीं जाएंगे, और संज्ञान सर ने लिया था, लेकिन उसी रात इनके साथ फिर से मारपीट हुई है और जिसके बाद ये बेहोश हो चुकी थी, 108 गई और सुहावल लेके गई थी, वहाँ से उन्होंने रेफर किया जिला अस्पताल में, और आज सुबह जाके इनको होश आया है, तब से इलाज इनका जारी है, तो चल रहा है।